हेलो फ्रेंड्स, आपका टेक स्ट्रीमर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, एप्पल आईफोन्स ऐसे तो बेस्ट डिवाइस होते ही है अनडाउटेडली, लेकिन यार आईफोन्स के ऊपर भी कभी कभी आपको कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि आपका आईफोन स्लो हो जाता है या फिर कोई एप्लीकेशन अगर आप ओपन करते हो तो उसको ओपन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों, इन सारे प्रॉब्लम्स के पीछे एक ही रीज़न है, वो है कैश डेटा। तो फ्रेंड्स यार, आईफोन के ऊपर कैश डेटा को कैसे क्लियर करते हैं उसके ऊपर आज का हमारा वीडियो होने वाला है, क्योंकि कई लोगों को ये सिंपल सा प्रोसेस नहीं पता होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने आईफोन के ऊपर कैश डेटा को क्लियर करके अपने आईफोन को फिर से नए जैसा फास्ट एंड एफिशिएंट बना सकते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने आईफोन के ऊपर अपने सफारी ब्राउजर का कैश डेटा क्लियर करना होता है, क्योंकि उससे भी कई सारी प्रॉब्लम्स आपको अपने फोन के ऊपर आती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर जाना होगा। सेटिंग्स के अंदर जब आप नीचे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको सफारी का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको इसके ऊपर टैप करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको नीचे स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है क्लियर हिस्ट्री एंड वेबसाइट डेटा, तो आपको इसके ऊपर टैप करना है और क्लियर हिस्ट्री एंड डेटा के ऊपर टैप करना है। यहाँ से दोस्तों, आपके सफारी ब्राउजर का जो भी कैश डेटा होता है वो सारा क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो सफारी ब्राउजर है पहले से फास्ट काम करने लगता है। दोस्तों, ये तो हो गई सफारी ब्राउजर की बात, अब बारी आती है ऐप कैश डेटा को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए फिर से आपको अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर जाना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जाना होगा जनरल के अंदर। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको आईफोन स्टोरेज का ऑप्शन दिखता है, उसके ऊपर टैप कीजिए, और यहाँ पे अब आपके आईफोन के स्टोरेज साइज को कैलकुलेट किया जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में आपके सारे एप्लीकेशंस दिखने लगेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशंस के ऊपर टैप करना है, जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल करके रखे हैं। और इसके बाद यहाँ पे चेक करना है आपको कि इस वाले एप्लीकेशन ने कितना स्टोरेज स्पेस कवर करके रखा है। तो दोस्तों, अगर इस एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ऐप का साइज है 243 MB, लेकिन इसने डॉक्यूमेंट एंड डेटा के अंदर 59 MB का साइज यहाँ पे कंज्यूम करके रखा है। तो यहाँ पे ये जो 59 MB है, ये इस एप्लीकेशन का कैश डेटा है, इसको आपको क्लियर करना होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आईफोन की कुछ लिमिटेशंस है, और अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी क्लियर कैश डेटा का ऑप्शन नहीं मिलता है। कैश डेटा को क्लियर करने के लिए दोस्तों, एक जो सिंपल सा सोल्यूशन आपके पास बचता है वो यही है कि आपको इस एप्लीकेशन को डिलीट कर देना है, और इसके बाद आपको इसको फिर से रीइंस्टॉल करना होगा। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि इसने जो भी कैश डेटा कंज्यूम करके रखा है स्पेस आपके स्टोरेज के ऊपर, वो सारा स्पेस आपका फ्री हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका कोई भी दूसरा यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है इसके कैश डेटा को क्लियर करने का। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस भी एप्लीकेशन ने आपके फोन के ऊपर ज्यादा स्पेस कवर करके रखा है, आपको उसको सिंपली यहाँ से डिलीट कर देना है और इसके बाद इसको रीइंस्टॉल करना है। इससे क्या होता है कि आपका कैश डेटा क्लियर हो जाता है और आपका आईफोन पहले से अच्छा परफॉर्म करने लगता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में दोस्तों, आप कमेंट में कोई और क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ अगली बार आपसे किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।